समर्थन के साथ सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए आज कुरुक्षेत्र ने ये मन बनाया है कि तीन बड़े जो बाहर से आए चेहरे हैं उनके आगे अपना खुद का बेटा पालाराम सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ऐतिहासिक रूप से जिताएगी। चुनाव यहाँ घूम रहे हैं, क्या रुझान करते हैं? देखिए, अब तो चुनाव शुरू हुआ है, 6 तारीख तक नॉमिनेशन है और 6 के बाद ही समीकरण प्रदेश में बनेंगे। पर जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, एक चीज़ साफ है कि नेशनल पार्टीज़ को छोड़कर लोग हरियाणा की आवाज़ को इस बार हरियाणा में चुनेंगे, हरियाणा की आवाज़ को पार्लियामेंट में जगह देने। नफे सिंह राठी की आज CBI ने केस दर्ज कर लिया है और जांच के लिए बोला। हमने विधानसभा के अंदर जिस दिन ये मांग आई थी उसी दिन रिकमेंडेशन करके भेज दी थी और मुझे उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसी जो बचे हुए इन्वॉल्व लोग हैं उनको भी जा सकते। कल CM आए थे नामांकन पत्र भरवाने, तो उन्होंने उनको एडवांस में जीत के बताई थी। मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि जो नॉमिनेशन की आप बात कर रहे हो उस कैंडिडेट को तो मुख्यमंत्री का नाम भी याद नहीं रहता, पर एक बार नहीं 1970 के दशक के हमारे MP का नाम वो अब याद करा देते हैं कि मनोहर लाल सैनी आ गए। ये साफ दिखता है कि आज भी उनका मन कांग्रेस में है। BJP की तो टिकट उन पर थोपी गई, पर आने वाले दिनों में देखना है जनता दोनों बड़ी पार्टी दोनों लोगों को और खासतौर पर तीसरा आपका उम्मीदवार जो बारी बारी यहाँ कमेरे की बात है, तो तीनों को हरा अपने बेटे अपने भाई पालाराम सैनी घर वापसी आएंगे साथी। मैं तो कह रहा हूँ जाने आने का टाइम है, मगर कई लोगों को भ्रमित किया गया है, जो हमारे अपने हैं उनको हम जरूर प्रयास करके बाकी। सर, आप विरोध का कहाँ तक आप उचित मानते हैं? विरोध कर रहे हैं वोट की चोट से? जनता के पास सभी अधिकार है, जनता विरोध करती है वोट से भी, जनता वोट विरोध करती है अपनी आवाज़ से भी, धरनों से भी, प्रदर्शनों से भी। मगर हमारे अपने मैं तो बोलता हूँ उनसे चर्चा रखेंगे और अच्छी चर्चा रखेंगे तो जरूर उनके मन में कोई दुष्प्रचार हुआ है, कोई ऐसी भावना डाली गई है, वो भी दूर होगी और वो और बढ़ चढ़ कर हमारा साथ देगा। पौने 5 साल आप लोगों ने सरकार चलाई मिलकर, अब आपके खिलाफ कहा जा रहा है जांच करेंगे, कर लीजिए वो किस चीज़ की जांच? कोई ऐसी इंक्वायरी मेरे समय पे हमने छोड़ी नहीं है जिसको पूरा इंक्वायर ना किया हो, और अगर किसी के मन में है तो और करवा लें। आज भिवानी विरोधवाद जो युवक थे वो इनेलो के समर्थक नहीं थे। देखिए, मेरे कल के दौरे में एक साथी आया और आकर उसने नारेबाजी करी, जब मैंने पूछा तो उसका विरोध इस चीज़ का था कि आपने मेरा ट्रांसफर नहीं कराया। अब इस चीज़ के लिए कोई विरोध करेगा, ये तो पॉलिसीज और निर्णय सरकारी दफ्तर के। और जहाँ विरोध की बात है, ये साफ चेहरे सामने आ रहे हैं यहाँ पूरे प्रदेश में, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट होकर इस तरह की भावनाओं में विरोध। भाजपा कह रही है 400 पार, 200 भी नहीं आ रही।